You say the BJP has proved to be a total failure. Traditionally, supporters of BJP, some parties and prominent political personalities of Jammu have started criticizing BJP government. Some have launched their own parties and are fighting the upcoming DDC elections against the BJP, while others have decided to boycott. Common among all of these parties is that they are all anti-BJP. In Kashmir, parties have come together to fight in an alliance the election against the BJP. In Jammu, although, there is no formal alliance. All the small parties are fighting against the BJP. We are the people who supported, the abrogation of Article 370 with the hope that something good will happen and that our youth would be empowered, that they'll be getting, adequate share in employment and all such kind of slogans, they all have proved to be a damp squib. सेंटर गवर्नमेंट को मोदी सरकार को यहां पर कानून लाने की क्या दौड़ मची हुई है। देखिए लगातार एक साल के अंदर 15 से 20 कानून आ चुके हैं और आप मुझे कोई भी ऐसा कानून बताइए जिसका जनता ने सड़क पर उतरकर विरोध ना किया हो। हर कानून आने के बाद उसमें बदलाव किया जाता है, चाहे वो डोमिसाइल हो, लैंड लॉ हो या SRO को हटाने के लिए कानून हो। तो ये सेंटर गवर्नमेंट को यहां पर जम्मू कश्मीर में कानून थोपने की लगातार कानून थोपने की क्या दौड़ मची हुई है। There's no development at all, and particularly the villages have been totally neglected by the BJP government. Whether it, the central government or the state administration, which is being run by the BJP government at the center, because it's the BJP at the center which is running its proxy rule in Jammu and Kashmir, they too have failed. We have been deprived of even our 4G connectivity, which the Supreme Court also said is now a fundamental right, a constitutional right. देखिए 4G इंटरनेट को डेवलपमेंट का काम नहीं है। जो आज होम मिनिस्ट्री ने कुछ किया होगा, कुछ सोच के किया होगा, समझदार लोग ऊपर बैठे हैं और पूरे देश की चिंता करते हैं। आप मेरे से लिखवा कर ले लीजिए, सेंटर गवर्नमेंट इस समय जितने कानून बना रही है, जैसे ही जम्मू कश्मीर में एक लोकतंत्र सरकार बहाल होगी, ये तमाम सारे के सारे कानूनों के अंदर बदलाव लाया जाएगा। People are without wages, all those daily wages, working various government departments, they have been deprived of their wages for the last several months and even years. And employees, they are, annoyed with the government. The contractuals are not being regularized as was assured to them. देखिए धारा 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में एक अलग तरह का माहौल बना है, एक अलग तरह की परिस्थिति बनी है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल आधार है वो जम्मू प्रोविंस है, ये सब जानते हैं। तो इस सभी में जो भी पार्टियां हमारे खिलाफ हैं, कम से कम हम इस चीज़ से जो खुश हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत है और सभी इकट्ठे होकर के हमारे इलेक्शन साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, बीजेपी वर्सेस ऑल। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एकजुट जम्मू इज गोइंग टू बी पॉलिटिकल। वी वर नॉट अलाइज विद बीजेपी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी हैव डिसाइडेड नाउ आफ्टर वर्किंग फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स फॉर जम्मू ऑन इशूज विच आर इशूज ऑफ सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस फॉर जे एंड के, फॉर जम्मू इन फैक्ट, जम्मू रीजन। वी डिसाइडेड टू गो पोलिटिकल बिकॉज दैट्स द ओनली वे फॉर द सर्वाइवल ऑफ जम्मू। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने एक साल से ज्यादा 370 और 35A को हटे हो चुका है, क्या किया गया है यहाँ के युवाओं के लिए? क्या उन्होंने नौकरियां लाई यहाँ पर? जो 50,000 नौकरियों का वादा इससे पहले वाले LG ने एक साहब ने किया था, वो तो आज तक इंप्लीमेंट हो नहीं पाया। और नए नए कानून यहां पर लगातार थोपे जा रहे हैं और कानून को लेकर भी क्या कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे कानून जम्मू कश्मीर की हकीकत को देखकर नहीं बनाए जा रहे, ये कट कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, द यूनियन ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसर्न, इट हैज अ कंसिस्टेंट पॉलिसी फ्रॉम द लास्ट मोर देन 70 ईयर्स टू रन जम्मू एंड कश्मीर थ्रू कश्मीर। सो द बीजेपी ऑल्सो अडॉप्टेड द सेम पॉलिसी। So on policy paradigm, it is no different from Congress. हम इंडिपेंडेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन देने वाले हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, 30,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। यहाँ पर जो लोग सारे सरकारी नौकरियों के पीछे घूमते थे, आज यहाँ उनके लिए बहुत से अवसर आ रहे हैं काम करने के। You see, firstly, the people are being deprived of their already limited job avenues because you say that people from outside who are settled here
And once they get their domicile certificates, which they have already availed of, they'll be eligible for jobs here. So we'll now have to compete with people from outside states. This will, squeeze the employment avenues for the local people of the erstwhile state. Secondly, the lands would be taken over by the outsiders. There's no doubt about that, because the corporate houses outside are waiting to buy the lands of particularly the poorer sections of people would be affected, because they are the more vulnerable sections and they could be easily exploited and divested of their lands. And once they lose their lands, there'll be no option for them except to work under these corporate houses, and this would ultimately have the effect of, in a way, enslaving these people, because having lost their jobs and their lands, there'd be no course available to them other than to serve under these corporate houses, under the big business houses who would be taking over in Jammu and Kashmir. And they'll be, in fact, the masters in the days to come. एक साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, जैसा कि सेंटर की हमारी जो सरकार है वो हमेशा लगातार दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात तेजी से सुधर रहे हैं, तो फिर हमारा स्टेटहुड का दर्जा क्यों नहीं बहाल किया जाता? हमारी सबसे पहले ये डिमांड है कि जब तक जम्मू कश्मीर की जनता को उसका हक नहीं दिया जाएगा, उसको हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं दिया जाएगा, तब तक शिवसेना जनता से अपील करेगी, ना के पार्टिसिपेट भी नहीं करेगी, और जनता से अपील भी करेगी कि जम्मू कश्मीर की जनता आने वाले किसी भी चुनावों का हिस्सा ना बने. The government has only done one thing, that's installing of toll plazas all over Jammu region, which is being agitated by the people, which is being opposed by the people, and people are very, very unhappy with the BJP government, and they are waiting anxiously for the elections. They wanted to overthrow this government. से डर है, आपने स्वाभिमान पार्टी आपने देखी है जो पीछे बनी थी लाल सिंह जी की, क्या रिजल्ट लेके आएंगे ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा. लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और मोर देन 3/4 मेजॉरिटी लेकर के जम्मू प्रोविंस में जीतेगी.